manzile apni jagah raste apni jagah manzile apni jagah raste apni jagah. Welcome dear viewers, today my content is about Kishore and Asha bhosle in the wonderful awards which given to dosto Asha bhosle ko ek aisa geet jiski hum charcha karenge jisko usko awards mila tha aur us award ke piche kahani kya hai uski ghatna ek lekin channel ko subscribe kare like kare how talent brought to practical geet sangeet dosto ye ek anokha waqia hai jo hum 1985 की फिल्म शराबी की बात करते हैं जिसमें किशोरदा ने कई गीत दी थे. लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ मंजिले अपनी जगह रास्ते अपनी जगह. दोस्तों ये 85 की गीत संगीत की हम बात करते हैं जिसमें किशोरदा की फिट वॉइस अमिताभ बच्चन की एक्सप्रेशन को किशोरदा ने समझा और ये उस पर फिट वॉइस जो गीत बहुत इतिहास करके और बहुत ही ख़ास अंदाज में किशोरदा ने इस गीत को गाया. और दोस्तों इसमें अवार्ड्स की नॉमिनेशन में 85 के दौर में दिस द बेस्ट अवार्ड्स फॉर किशोरदा एंड अदर्स. दोस्तों गिव टू इंफॉर्मेशन उसके बाद दोस्तों हम से गीत संगीत की एक ऐसी चर्चा करेंगे जो एक गीत था जिसको आशा भोसले को अवार्ड मिला था. लेकिन दोस्तों ये आपको जानकारी के लिए एक किशोरदा ने 8 अवार्ड्स लिए और उसकी अवार्ड के पीछे कई लोग लगे हुए हैं जिसमें उसकी आवाज़ और उसकी जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वॉइस एंड रोमांटिकल वॉइस इन 70 के दौर में दोस्तों बच्चे बूढ़े जवान जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें. दोस्तों यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि आशा भोसले कोई कैसा गीत जिसमें कॉपर सॉन्ग तो 70s के दौर में चलते थे जिसमें उसको अवार्ड दिया था लेकिन ये ऑन रिलीज सॉन्ग था जो उसकी हम आज चर्चा करेंगे. लेकिन याद रहे कि दोस्तों आशा भोसले को 7 अवार्ड मिले अपने ज़माने में लेकिन उसके बाद 7 अवार्ड्स अलका यागनिक को भी मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ जो उसने भी अपनी 7 अवार्ड अपने नाम किए. लेकिन ये अवार्ड 7वां अवार्ड्स जो आशा भोसले को ये अवार्ड्स 1975 के गीत के लिए जो ऑन रिलीज सॉन्ग था और ये गीत फिल्मों में दोस्तों नहीं है और ये हम आपको इसकी हम चर्चा करेंगे. तो ये अवार्ड्स उसको मिला गया और से नॉमिनेशन में उसको पुकारा गया और उसकी कई ऐसी घटनाएं हैं. जो गीत वो कौन सा था वो बताते हैं. चैन से कभी जीने न दिया चैन से कभी जीने न दिया. दोस्तों इस गीत पे जो है आशा भोसले को फीमेल प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड्स मिला और क्योंकि 70s के 60s के दौर में जो ऐसा चल रहा था कि इससे पहले जो मुकेश और कई कलाकारों ने जो मेल और फीमेल वर्जन के साथ प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड दिए गए. दोस्तों ये अवार्ड्स आशा भोसले को जो दिया गया तो ये फिल्मों से हटकर एक गीत था जिसके लिए इसको 7वां अवार्ड मिला. दोस्तों किशोरदा की तो गीत अपने ज़माने में बहुत सुपरहिट रहे और आज तक उसको दुनिया सुन रही है. लेकिन दोस्तों ये अवार्ड्स क्यों हुआ कैसे हुआ जो फीमेल प्लेबैक सिंगर को मिला और इसको आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये आज आपको हमने नई जानकारी दी है. गिव टू इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक फॉर वॉचिंग.